धन के बिना जो है किसी की गति नहीं है। वाणी में एक जगह लिखा है, कह नानक ये तत्व विचारा बिन हरि भजन नहीं छुटका। बिना सिमरण के, बिना सिमरण के कोई भी जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बोले श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों के अटल सिद्धांत है। कितना ही कोई योग यज्ञ जप तप व्रत कर ले, तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक प्रभु के नाम का सिमरण नहीं करेगा, जो सतगुरु के द्वारा बख्शा हुआ है, तब तक उसको जो है उसका बेड़ा बहुत सागर से पार नहीं हो सकता। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कुछ दिन पूर्व श्री संत नगर में फरमाया था कि परमहंस दयाल जी ने जो शब्द आपको दिया है, ये ही आपका बेड़ा जो है भव सागर से पार करेगा। तो गुरुमुख को आगे वो कहते हैं कि विनंत नानक अकथ की कथा सुना। ये ऐसी कथा है हर कोई इसको नहीं जानता, तो वो बड़ी विनम्रता से ये कथा सुना रहे हैं कि इस सतगुरु मिले ता ये धन पाओ। ये धन तब मिलता है जिसे सतगुरु मिलते हैं, जैसे इस घोर कली काल के अंदर हम सब गुरुमुखों को श्री परमहंस दयाल जी मिले। सब का कर्तव्य है कि उन्होंने ऐसी कृपा हमारे लिए की है, हमारे लिए इस घोर कली काल में अवतार लिया है, श्री अनंतपुर दरबार बनाया है और हमें अपनी शरण में लगाया है, हमें अपना नाम दिया है, शब्द दिया है, हमें अपना सेवक कहलाने का अधिकार दिया है। और हम सबका कर्तव्य है कि हम भक्ति के नियमों की पालना करें, सद्गुरु के शब्द का सिमरण करें, लोग भी संवारें और लोग भी संवारें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जय जयकार। अब यहाँ भजन बोलेगा सब।